वेल गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छे। गाइस, आज मैं आपके लिए ऐसी अनोखी वीडियो लेके आऊँ जो आज तक ना आपने यूट्यूब पे कभी देखा होगा ना देखे होंगे। ठीक है, आज जो मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया है अपने SSBIP मेंबर के सामने लाइव, और उनके मुंह से आप खुद सुनना। देखो, आने वाली थी वीडियो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बुलिश इनगल्फिंग पे। ठीक है, अब वो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद, बट जो ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना भाई, ये आप समझ लो हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री क्रिएटेड है। एक बार देखो वीडियो को, पसंद ना आए तो लीव कर देना। जो चढ़ते हुए मार्केट को गिरा दे वही PLT है। देखो, इतने स्ट्रांग ट्रेंड में एक कैंडल मैंने रेड को फाइंड किया और थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ना मैं आपको कुछ ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ ना कुछ दिखाने वाला हूँ। बस सब लोग अपना अपना बैठो, ईयरफोन लगा के जैसे भी वीडियोज देखते हो वैसे देखो। आज कुछ लर्निंग वाली चीज़ मिलने वाली है। आज जो मैंने अपने SSBIP मेंबर के सामने जो हिस्ट्री क्रिएट किया है, जो SSBIP में जो सिग्नल प्रोवाइड किए वो क्या प्रोवाइड किए, चलो मैं वो आज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये रहा अपना SSBIP चैनल। ठीक है, आज मैंने कितने बजे सेशन लिया है, 4:42 पे सेशन स्टार्ट किया, और मैंने मतलब 4:42 पे टाइम दिया था, 5 बजे सब लोग रेडी रहो सेशन लेंगे। उसके बाद मैंने लाइव स्ट्रीम पे देखो मैं सेशन लेता हूँ, क्योंकि सबको आवाज़ मतलब मैं बोल बोल के समझाता हूँ कि इतना ऐसे करना है, इतना ट्रेड लगाना है, मनी मैनेजमेंट करके ऐसे ऐसे ट्रेड फॉलो करके डेली उनका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बनवाता हूँ। ठीक है, लेकिन आज जो हिस्ट्री क्रिएट हुआ है आप वो देखो, क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा कभी आपने देखा है, कमेंट में बताना, नहीं देखा है वो भी कमेंट में बताना। इसके बाद जो लोग बोल रहे हैं उसको भी सुनना, 10-5 मिनट का उनका लाइव स्ट्रीम में जो बातें हुई हमारी वो भी सुनना, और अच्छे से सुन के जाना क्या आपने ऐसा कभी ट्रेड देखा है या आपने कभी लिया है। अपने SSBIP में क्लियरली बताना चाहूँगा, विदाउट MTG रिकवरी सिग्नल मिलता है, कभी भी हम MTG रिकवरी नहीं यूज करते, इसीलिए कहते हैं PLT अलग है। ठीक है, नो MTG नो रिकवरी, ओनली श्योर शॉट। अब देखो स्टार्ट किया सेशन, पहला ट्रेड यहाँ पे श्योर शॉट, मेन स्टार्ट होगा 6 वाले से, जहाँ पे AUD CHF स्टार्ट होता है वहाँ से एक श्योर शॉट डन हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा डन हो गया, ये भी ठीक है। अब ये देखना 5 बजे सेशन स्टार्ट किया, टाइमिंग देखना कितने बजे तक सेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे दूसरा देख लिया, यहाँ पे तीसरा भी देख लिया। ठीक है, अब ये देखो चौथा देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो USD ट्राई OTC पे 5वां अपना सिग्नल, एंड इसी पे 5वां जैसे ये कैंडल खत्म हुई, लाइव स्ट्रीम में बोला जैसे कैंडल खत्म होगी तुरंत एक अपवर्ड के लिए ट्रेड ले लेना, लोगों ने यहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड लिया, ये भी विन है। मतलब हर एक कैंडल को मैं जज करके लाइव पे ट्रेड देता हूँ। ठीक है, अब देखो छठवें से यहाँ स्टार्ट हुआ AUD CHF। अब इसका मजा देखो, इसमें मैंने एक कैंडल को भी नहीं छोड़ा, सारी कैंडल को लाइन बाय लाइन प्रिडिक्ट करता गया। यहाँ पे देखो एक कैंडल प्रेडिक्ट हुआ, रेंजिंग मार्केट बना था, रेंजिंग मार्केट में मैं इतना माहिर हूँ कि क्या ही बताऊँ, देखना अभी आगे पता चलेगा आपको। एक ट्रेड ये कैंडल खत्म हुई, मैंने उनको तुरंत बोला कि कैंडल जैसे खत्म होगा अब के लिए ट्रेड ले लेना, तुरंत वो लोग अब के लिए ट्रेड लिया भी हुआ। जैसे ही कैंडल खत्म हुई उसके पहले मैंने लाइव पे, क्योंकि मैं सेशन लेता हूँ तो मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ डाउन के लिए ट्रेड लेना। अब यहाँ पे देखो वो डाउन के लिए ट्रेड लिए, ये भी विन हुआ, एंड फिर से मैंने शायद उनको डाउन के लिए ही बोला था, मुझे इतना याद नहीं। अब देखते हैं क्या कैंडल बनी है, डाउन के लिए बना, अब मैंने शायद यहाँ से इनको अप के लिए ट्रेड बोला था, ये भी अपना ट्रेड काफ़ी अच्छा खासा विन हुआ। मतलब देखो ये देखो अप के लिए बोला, ये भी अच्छा खासा विन हुआ, अब मैंने उनको शायद यहाँ से डाउन के लिए बोला था, वो शायद लॉस हो गई थी 11th स्टेप कंपाउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो 12th स्टेप कंपाउंडिंग जा रहा था बट ये लॉस हो गया, मैंने सेशन क्लोज कर दिया डिसिप्लिन से। अपना SSBIP में क्या होता है भाई, जब तक हम प्रॉफिट करते हैं तब तक सेशन कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ पे सिंगल लॉस होता है वहीं ट्रेड समाप्त हो जाता है, सेशन क्लोज हो जाता है डिसिप्लिन के साथ। 5 बजे सेशन स्टार्ट किया था, 5:24 मतलब 24 मिनट के अंदर आप सोचो मैंने 11th स्टेप कंपाउंडिंग प्रोवाइड किया, क्या ये मजाक है? क्या आप बताना आज तक आपने ऐसा कभी सेशन देखा है, या आप देख पाओगे वो भी बता देना भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि विदाउट MTG रिकवरी और लगातार 11th स्टेप कंपाउंडिंग श्योर शॉट देना किसी के बस में नहीं ना पॉसिबल है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है वो भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में लॉस हो जाता है। लेकिन अपना देखो यार, एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुआ, और मैंने हर एक कैंडल को कैसे जज किया ये देखो, एक कैंडल बाई कैंडल रेड के बाद ये दो कैंडल देख लो यहाँ पे, इसके बाद मैंने ग्रीन बोला, ग्रीन गई कैंडल, फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पे रेड, पहले इसके पहले वाली रेड बनी थी, अब मैंने बोला रेड के लिए तो यहाँ पे कैंडल रेड बनी, यहाँ पे देखो ये रेड बनी, इसके पहले मैंने शायद ग्रीन बोला था तो लोगों ने ग्रीन लिया था, इसके पहले मैंने रेड बोला था तो यहाँ पे लोगों ने रेड लेके प्रॉफिट किया। बताओ भाई, क्या ऐसा कोई सिग्नल दे सकता है? अब चलो मैं यहाँ पे लोगों का जो लोग बोले हैं प्रॉफिट करने के बाद वो आप सुनो कि लोग कितना प्रॉफिट जनरेट किए हैं आज PLT के जरिए,
24 मिनट के अंदर 11th स्टेप कंपाउंडिंग करवाया हूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ भाई PLT के जैसा आज तक कोई पैदा हुआ ना कभी होगा इस ट्रेडिंग फील्ड में। लोगों ने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, ये चीज़ देखो आप और समझो सीखो कि क्या पॉसिबल है। ये लाइव लोगों के मुंह से सुनो, आपको सब कुछ देखो यार, पॉसिबल इम्पॉसिबल क्या है वो पता चल जाएगा, नॉलेज होगा ना तो आपके पास सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, MTG रिकवरी जो जो देते हैं उनके लिए पॉसिबल ये सब नहीं है, क्योंकि वो उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ MTG रिकवरी एक तुक्का होता है, विदाउट सिंगल लॉस 11th स्टेप कंपाउंडिंग देना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, क्लियरली बोल रहा हूँ। ये 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सेशन वगैरह प्रोवाइड करने के बाद आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग देखो सीखो इससे। और मैं कुछ दिन में लाइव आने वाला हूँ, लाइव पे आके मैं यूट्यूब पे ट्रेड कराऊंगा। और अगर आप भी ऐसा प्रॉफिट करना चाहते हो तो मेरे जरिए काफ़ी लोग अच्छा खासा डेली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, आप भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। चलो अब सुनते हैं लोगों ने क्या कहा है, क्या कहा है इस 11th शॉर्ट स्टेप कंपाउंडिंग को लेने के बाद, ठीक है। 11th स्टेप कंपाउंडिंग करवाने के बाद जो जो सिग्नल लिए, जो जो प्रॉफिट के हाथ खड़ा करो, बात कर लो। और देखो यार, विदाउट सिंगल लॉस MTG रिकवरी विदाउट दिया, मतलब MTG रिकवरी भी नहीं मिला आपको, और सिंगल MTG रिकवरी तो मैं वैसे कभी देता नहीं हूँ, आप तो जानते हो, और सिंगल एक लॉस भी नहीं हुआ, और लास्ट में वही एक लॉस हुआ। 11th स्टेप बैक टू बैक कंपाउंडिंग कोई करवा लेगा? भाई मैं पहली बार आपके ग्रुप में आया हूँ, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। मेरा $40,000 का लॉस करवा दिया सबने। मैंने आज पहली बार मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने सोचा कि पहले देखता हूँ। मैं मेरी मेरा दिमाग फट गया भाई, सच में बोल रहा हूँ। मजा आया कि नहीं देख? ट्रेडिंग लीजेंड के साथ मतलब उसके ग्रुप में था, तो मैं मतलब कोई भी हो वो हर कोई MTG रिकवरी पता नहीं क्या क्या दे रहे, कोई नहीं, बट पहली बार आर्टिकल बढ़ गई देख के। मजा आया ना देखने में? बढ़िया भाई। हेलो राजीव भैया, बताओ भाई, बताओ फट्टू। कह रहे सर आपका एकदम बहुत झकास मिला है आज, ट्रेडिंग 11 स्टेप कंपाउंडिंग की है। एक भी लॉस हुआ बीच में? नहीं नहीं सर, मैं रिजेक्शन पर ले लिया था, मेरा लॉस नहीं गया है। MTG रिकवरी मिला एक भी आपको? नहीं नहीं एक भी MTG नहीं किया है। मतलब मजा आया, बहुत मजा आ गया सर। मतलब ऐसा सिग्नल कहीं देखे हो आप कभी? नहीं भैया ऐसा सिग्नल मैं कभी देखा ही नहीं, कई ग्रुप ज्वाइन किया है नहीं समझ में आया। वो सब लॉस करवाने के अलावा कुछ और नहीं जानते हैं सब लोग। मजा आया वो। क्या फैजान आपके पास भाई? आपके पास एकदम मतलब बहुत जानकारी है, जानकारी है, ठीक है। थोड़ा नॉलेज हार्डवर्क है भाई। हाँ थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा हार्डवर्क है, जिसकी वजह से पॉसिबल है ये, ठीक है। मैं भी दो दो तीन ग्रुप ज्वाइन किया था, ट्रेडिंग लीजेंड का है। अरे नहीं, किसी का नाम मत लो, सब अपने अपने जगह बेस्ट है, किसी का नाम मत लो, ठीक है, सब अपने अपने जगह ठीक है। वो तो एक नंबर का चुतिया आदमी है, क्या बताएगा। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है भाई, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, नाम मत। लेकिन पर आपके जैसा कोई नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। और किसने किसने प्रॉफिट किया आज? मजा आया 1100 शॉट लेके लगातार कंपाउंडिंग। आ जाओ ऊपर भाई, बताओ भाई, बताओ 50 एकदम गजब सर, क्या सिग्नल देते हो आप। मैं बहुत टाइम से आपसे पहले से जुड़ा हूँ, आपका भी MTG बनते थे, बहुत गजब है आज। मजा आया ना बहुत। और सर मेरा एक क्वेश्चन भी था, पूछ लो। कि सर मुझे बाइनेंस से 50,000 डिपॉजिट करने थे, एक साथ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, P2P से कर लो। हो P2P, ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, मजा आ गया ना उनका? एकदम एकदम। चलो बाकी और सबका हेलो हेलो राजू भैया। हाँ PLT भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, अपना बताओ भाई। मैं तो आप जितना शिव श्रद्धा बढ़ रही है, तो आप वीक ओवर से वीडियो ले आया है ना, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? नेक्स्ट वीडियो यही वीडियो मैं आप लोगों का डालने वाला हूँ, जो आज मैंने 11th स्टेप कंपाउंडिंग करवाया आप लोगों को। आज मैं इसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन करवा के और इसको मैं खोल के इसका रिकॉर्डिंग करूंगा। बाकी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, लोग भी जाने कि अपने VIP में कैसे तगड़े तगड़े सिग्नल मिलते हैं विदाउट MTG रिकवरी, और एक दिन में कोई बंदा क्या पॉसिबल है कि लगातार 11th स्टेप कंपाउंडिंग करवा सकता है।
भाई हाँ हाँ भाई बोलो बोलो भाई, एक बात तो जानते हैं जे मैं आपको सब वीडियो देखता हूँ, तो मुझे सीखने से माने आपको वीडियो देखे बहुत सीख रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे मुझे चाहिए जो आपको न्यू वीडियो जो आप जो जिस विषय से आप देता हो ना मुझे वीडियो चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी अभी ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सर बताओ सर, हेलो सर, हाँ बताओ बताओ ओंकर, रुक जाओ जरा ओंकर। सर आपने बताया था कि मैं 5 मिनट वाला, 2 मिनट वाला, 1 मिनट रिप्लिकेंट वाला वीडियो लाऊंगा ना, उसी का तो सब खेला है, उसको मैं बताता हूँ जल्दी, यूट्यूब पे रिवील करता हूँ मैं। ठीक है भाई, आप YouTube पे सर अगर वो अपलोड किया है तो ग्रुप में अपलोड करें? अभी नहीं, अभी अपलोड करूंगा लिंक के बारे में। अभी यहाँ पे सब लोग प्रॉफिट के बारे में बताओ, प्रॉफिट कैसा हुआ ये वीडियो आपके आपका जाने वाला YouTube पे आप लोगों के वॉइस के साथ, आप लोगों को मजा आया कि नहीं? सर मैंने सर जी मैंने मजा तो बहुत आया सर, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। सर आप जो सिग्नल देते हो ना, अगर आप फर्स्ट हमें सिग्नल दो, फर्स्ट मतलब लिखने में, हाँ। और उसके बाद डायरेक्शन, तो ऐसा अच्छा नहीं होगा? होगा होगा, इसके लिए मैं समझा दूंगा कैसे होगा। ये लाइव है ना, लाइव में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर एक बार में देखो, हर एक कैंडल मैंने सोचो एक कर, आप देखे AUDCHF पे मैं हर कैंडल पे ट्रेड दे रहा था, मतलब एक कैंडल को भी छोड़ नहीं रहा था। तो सोचो कि एक कैंडल पे अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ तो मैं उसी टाइम पे विन हो रहा है, और उसको मैं कैसे पोस्ट करूँ, और उसको मैं पोस्ट करने के बाद करेंसी, पहले करेंसी पेयर डालूं, फिर विन का डालूं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट डालूं, फिर मैं आपको लिख के दोबारा वाला कैसे दे दूं इसी टाइम पे। मैं इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं ना, लाइव है ना, लाइव में तो एक ही कैंडल को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे लिए वो हो जाएगा ना। बाकी हर एक कैंडल को जब प्रेडिक्ट नहीं करता हूं तो बता देता हूं पहले से ही भाई। अगर आप अच्छा सर, एक और सर, कभी कभार सर जो टाइम होता है ना, 27 सेकंड मतलब वो मतलब जाता है तकरीबन 32 सेकंड ऐसे बाकी रहता है, तो हम वहाँ ट्रेड लगा सकते हैं ना। अगर आप पाकिस्तान से हो तो ट्रेड वहाँ पे BPN यूज करो, और अगर आप 30 सेकंड के पहले अगर आपको ट्रेड एंट्री मिलती है तो आप ले लो, 30 सेकंड के बाद मत लेना, क्योंकि 27-28 जब चलेगा तो 1.5 मिनट की ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, अच्छा बताओ भाई और कोई। सर मेरे तकरीबन कुछ ही दिन हुए आपके ग्रुप में। हाँ बताओ बताओ। BPN लगाने से अकाउंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं नहीं, आप लोगों के इधर नहीं होगा भाई, आप लोग इधर तो सब यूज करते हैं। ओ, बांग्लादेश में कुछ दिन आगे BPN व्यवहार करने वाला बहुत अकाउंट बैन हो गया। हाँ नहीं देखो, पाकिस्तान में तो BPN चलता है भाई, टेलीग्राम बिना BPN के मेरे हिसाब से कई लोग बता रहे थे। देखो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लोग बताते हैं। सर सर VPN कनेक्ट करना पड़ता है, VPN टेलीग्राम को कनेक्ट करना पड़ता है, तो VPN कनेक्ट करके यूज करो। हाँ भाई बताओ। नहीं आप एक बार YouTube लाइव स्ट्रीम करो, सबकी दुकान बंद हो जाएगी, किसी का लाइव कोई देखेगा नहीं। करता हूँ भाई, करता हूँ लाइव में, करता हूँ एक दो दिन बाद में लाइव का प्लान। सर मेरे बात आपको याद है ना सर, वो वीडियो जरूर अपलोड करना। अच्छा ठीक है, सब वीडियो अपलोड करूंगा, भाई। ठीक है चलो, लास्ट में सब लोग बता दो तो मजा आया, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँ। बाकी आपके लिए कल ये वीडियो YouTube पे मिलेगा, जैसे मैं राधे 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 राधे। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। आपसे सबसे अच्छा मेरे को लगा वो विदाउट MTG ओवर वाला, मैंने आज तक किसी ग्रुप में ऐसा कभी नहीं देखा था। वो विदाउट MTG मेरा $20,000 लॉस हुआ है, $20,000 से $30,000। अच्छा, MTG रिकवरी ले लेगी? जी जी बिल्कुल। MTG रिकवरी एक तरह का तुक्का होता है, MTG रिकवरी लोग मन ना फॉलो करो तो बेटर है। यार नॉलेज के साथ एक चीज प्रिडिक्ट करो, अगर वो गलत हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन विदाउट नॉलेज अगर कोई भी चीज दोबारा अगर उसमें गलती हो जा रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। नहीं भैया, अभी अभी मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने $2,000 लॉस किया था आपके ग्रुप में, वो मेरी गलती था, मैंने MTG ले लेके जबरदस्ती करके मैंने फुल लॉस किया था। आपके सिग्नल में मेरा जी जी आपके सिग्नल में कभी लॉस नहीं हुआ है। अभी मैं पहली बात तो अपने यहाँ दोस्त MTG रिकवरी मिलता ही नहीं है, मैं देता ही नहीं कभी आज तक किसी भी बंदे से पूछ लेना जो मेरे SSBIP में, कभी भी नहीं।
मैंने, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि भाई एमटीजी रिकवरी गलत है, नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ना एमटीजी रिकवरी के चक्कर में बंदे 3 से 4 ट्रेड एक बार में लॉस करते हैं भाई। एक बार में 3 ट्रेड लॉस करेंगे, और सिंगल लॉस करेंगे तो एक एक लॉस करेंगे। एमटीजी के चक्कर में, रिकवरी के चक्कर में 3 ट्रेड लॉस करते हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा कैपिटल लॉस होगा, ज्यादा वो होगा। हेलो सर, पहले कुलदीप यादव नमस्ते बोल रहे हैं सर। नमस्ते सर, कुलदीप, बताओ और क्या हाल चाल है? आप बढ़िया कैसे हैं? बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, सर अपने आप को बहुत बड़ा धन्यवान मानता हूँ सर कि आप जैसे गुरु के सानिध्य में होकर हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं सर। थैंक यू ब्रो, सच में थैंक बस ऐसा होता है सर, आपके चरणों अपना माथा रखा सर, यू। आपका अरे भाई आशीर्वाद से मिलता है जाके तो सर। लोग, ये तो नहीं, नहीं बस सर, प्यार आपका प्यार बहुत मोहब्बत बना रहे, आभारी हूँ। दोस्ती यारी बनी रहे, बहुत है रिस्पेक्ट है। आप मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, मेरे लिए इतना बहुत है यार, ठीक है? मैं बहुत, सर मेरे लिए सर बहुत है। आप सर आप बहुत महान इंसान है सर। आपकी वजह से न जाने कितने माता पिताओं के सपने पूरे हो रहे हैं सर। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं सर, आपके सानिध्य में सर आप ग्रेट हो सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रॉफिट किया आज आपने, जी सर बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन तो लाजवाब था सर। मजा कहते आ ना गया सर, पीएचडी जैसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है मार्केट में सर। सर चलो कहते चलो, सीना चौड़ा हो जाता है सर आपका आवाज सुनकर। थैंक यू भाई, थैंक बहुत अच्छे यू, ओके, थैंक यू सो मच। एंड लाइव को एंड करते हैं, जी बाकी ये 10 मिनट का लाइव, थोड़ा बहुत मैं इसमें और ऐड करूंगा जो आज मैंने सिग्नल दिया है। ये लाइव खत्म होने के बाद इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा, लोग उसको देखेंगे और सीखेंगे, इससे सीख लेंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक टाइम पे 11th स्टेप कंपाउंडिंग, वो भी विदाउट एमटीजी रिकवरी, विदाउट सिंगल लॉस कोई करवा सकता है, वो भी अगर एक लास्ट में लॉस जाए तो सेशन क्लोज कर दिया जाए डिसिप्लिन के साथ। तो इससे लोगों को सीखने को मिलेगा कुछ, और लोग मोटिवेट होंगे, और वो भी सोचेंगे कि भैया हाँ हम भी कर सकते हैं, वो मुझसे सीखने की कोशिश करेंगे, मेरा कोर्स से सीखेंगे, बाकी मेरे जरिए प्रॉफिट भी करने की कोशिश करेंगे जैसे आप लोग करते हो, ठीक है? चलो, एंड सबका दिल से धन्यवाद। एंड प्रॉफिट किया बस इतना मुझे चाहिए, मिलते हैं बाद में, अब कल सेशन में, ठीक है? राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। राधे राधे। चलो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सारा देख लिया है, और लोगों का सब कुछ रिस्पांस वगैरह देख लिया, लोग क्या कह रहे हैं और कितना आज प्रॉफिट किए हैं वो आप भी जनरेट कर सकते हो। देखो, मैं कुछ लोग जो 11th स्टेप कंपाउंडिंग लेने के बाद जो लिख के भेजे हैं जैसा प्रॉफिट किए हैं वो भेजे, मैं कुछ लोगों के, बस चंद लोगों के 10-20 फीडबैक आपको दिखाना चाहूँगा, पढ़ना उसमें और देखना कि क्या है ये, ठीक है? और यार जब वो प्रॉफिट कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ये जो बंदे हैं मेरे ग्रुप में जो 10 दिन से है ना, वो उन अपना कैपिटल कम से कम मेरे हिसाब से 2, 4, 5, 10 गुना बढ़ा ही चुके हैं। जो परसों जुड़े हैं वो भी आज बढ़ा चुके हैं। तो जो जितना पहले जुड़ता है वो उतना डेली डेली अपना कैपिटल बढ़ाता है, ठीक है? आप भी बढ़ा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है? ये तो इनका यहाँ पे हो गया, पहले देख लो, गुरुजी मान गए, क्या ही एक्यूरेसी है, विदाउट एमटीजी एंड रिकवरी। अब इसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लेना, पीछे छोड़ दिया मैं आपके, छोड़ दो इसको, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब अपने अपने जगह बेस्ट हैं, पीएलटी इज बेस्ट। एंड ये रिकॉर्डिंग रहा, बाकी अब ये देखो, पीएलटी भाई मेरी किस्मत ख़राब है कि आज मैं मतलब 11th स्टेप कंपाउंडिंग नहीं ले पाया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये तो यहाँ पे अब देखो लोगों ने क्या बोला, ये सब मत देखो, ये देखो पीएलटी बूम मार्केट का, फिर बाकी जितना लोगों ने इतना जितना प्रॉफिट किया है बंदा वो सब लिखता जा रहा है, 5th स्टेप 6th स्टेप, और यहाँ पे देखो 4 SSC लिखता जा रहा है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ मैं इसको छोड़ के, जहाँ से और लोगों का फीडबैक स्टार्ट होता है, जहाँ से लोगों ने अपना बेस्ट रिव्यू दिया है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड ये देखते हैं। यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, भैया मार ली आज आज मार्केट की आपने, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो एक सिंगल लॉस हुआ है, वो भी लास्ट में, AUDCHF OTC, ठीक है? सबका वही हुआ है भाई, माइंड ब्लो हो गया यार कैसे। वैसे मैं तो नेटवर्क इसी की वजह से 3 से 4 ट्रेड ही ले पाया, बट मज़ा आ गया, ठीक है? PLT ऑलवेज रॉक एंड डिफरेंट। सर मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब बोलो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब लोग इतना बोल रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते इस पे, ठीक है? 2D PLT इज ऑन, कॉटिफ का सिस्टम हैंग कर दिया आपने सर, 2D इज हाई लेवल सेशन, ठीक है? अब देखो भाई मज़ा ही आ गया आ गया, मेरा आज फर्स्ट दिन था, आज ही मज़ा आ गया। एक दिन था, पहले दिन बंदे ने कितना प्रॉफिट किया? $78, सोचो मतलब करीब करीब 6 से 7 हज़ार रुपये एक दिन कम में कमाया। तो अपना कैपिटल $50 डिपॉजिट करके बंदे आ रहे हैं, और कितना देखो कितना, $50 नहीं छोड़ दो, $50 तो इनके अकाउंट में होगा पहले से जो डिपॉजिट किए होंगे, बाकी अब जितने अकाउंट जितना इनके बैलेंस उतने से 75 $78 माइनस कर लो, बाकी जो थोड़ा मोड़ा बचा होगा उसी से इन्होंने $78 प्रॉफिट बनाया है।
तो पीएलटी भाई हमेशा सबका सहयोग करता है, सबका साथ सबका विकास। आप भी कर सकते हो भाई। आज सेशन से ऐसे लगा जैसे कि मैं 10 लाख का लॉस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। थैंक्स ब्रो। ठीक है, 1000% शॉर्ट्स, फर्स्ट टाइम आई सीन बैक टू बैक 11th शो शॉट विदाउट एमटीजी। क्या ही बोल सकते हैं इस पे, लोग बोले हैं भाई, मैंने लोग बोले हैं। ठीक है, देखो इसको, देखो यहाँ पे जो भी चीज़ होता है जेनुअन तरीके से होता है। आप ग्रेट हो सर, पहली बार जुड़ा हूँ बट एक्यूरेसी गजब। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि एमटीजी रिकवरी से बेटर है कि आप कहीं अच्छे सेशन फॉलो करो जो आपको प्रॉफिट करवा सके। भाई क्या बात है, क्या बात है यार, पीएलटी अलग लेवल है यार। ऐसा बंदा नहीं देखा बाइनरी में। मैं भाई 2 दिन थोड़ा अच्छा सेशन नहीं गया बट आज आग लगा दी दिया यार। भाई मतलब 11th स्टेप कंपाउंडिंग मजाक है, मजाक है क्या, अलग लेवल पीएलटी ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो भाई पहली बार बाइनरी में ऐसा कुछ देखा मैं। 11th स्टेप कंपाउंडिंग देखने के बाद लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है सर, हमने आज आपके वजह से हमने अपना लॉस रिकवर कर लिया। ठीक है, बाकी अब आगे देखते हैं आगे लोग क्या बोल रहे हैं वो आप लोग देखो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ऐसे भी फीडबैक आए हैं जो देखो, जो फीडबैक रहते हैं उसको पब्लिक ग्रुप में सीन भेजने के लिए ऐसे रखा गया। बाकी कुछ फीडबैक मैं इसमें से आपको दिखा दे रहा हूँ। भाई क्या सिग्नल मिला आज, कतई जहर। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड रखो, डीप श्योर शॉट एंड ये रहा। आज पहला दिन था, पहली 3 ट्रेड ली और निकल गया, लेकिन भाई 11th स्टेप कंपाउंडिंग हो गई बाद में। ठीक है, मतलब बंदा अंदर से रिग्रेट कर रहा होगा, कैसे आप ये करते हैं, पर बहुत मज़ा आ गया। वेटिंग फॉर मोर सेशन, ओनली वन लॉस, वन वन सेशन $93 प्रॉफिट। मतलब एक सेशन से बंदे ने 8,000 रुपये या 7,500 9,000 रुपये कमाए हैं। सोचो 24 मिनट के अंदर, जहाँ 12-12 घंटे लोग काम करके, जहाँ 1 महीने में काम करके लोग 12-13 हज़ार रुपये कमाते हैं, वहाँ एक दिन में वो भी 24 मिनट के अंदर बंदे ने $93 प्रॉफिट कमाया, वो भी पीएलटी के जरिए। तो सोचो ये प्यार नहीं देंगे अपना यार, ये भाई दुआ देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इनकी फैमिली देती है, क्योंकि पीएलटी एक है जो इनको प्रॉफिट करवाता है विदाउट एमटीजी रिकवरी। थैंक्स फॉर 10th स्टेप कंपाउंडिंग। लाइव कब करोगे यूट्यूब पर? लाइव जल्दी करूंगा ब्रदर, ये वीडियो देखो। ठीक है, लाइव जल्दी आने वाला हूँ। ठीक है, एंड 11th स्टेप कंपाउंडिंग भाई, वाओ पीएलटी ब्लास्ट। लोग 15 मिनट सोचते हैं एक सिग्नल के लिए, आप 15 मिनट में 11th स्टेप कंपाउंडिंग। लोग सोचते हैं 15 मिनट एक सिग्नल देने के लिए, लेकिन आप 15 से 20 मिनट के अंदर सिग्नल सेशन खत्म, 11th स्टेप कंपाउंडिंग हो गया। ठीक है, अभी तो पीएलटी भैया के साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज तक हिस्ट्री में बैक टू बैक विदाउट एमटीजी एंड रिकवरी 10th स्टेप कंपाउंडिंग। मतलब एक आग से बंदे ने नहीं लिया होगा, छोड़ दिया होगा, मिस हो गया होगा। ठीक है, 10th इसका डन हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर 11th स्टेप प्रोवाइड किया है। मार्केट यानी पीएलटी, मार्केट यानी पीएलटी। थैंक यू भाई, पुराना अंदाज देखकर मजा आ गया। हाँ, पहले अपने SSBIP में 11th 12th, एक तो मेरा हाईएस्ट था, मैंने 17 स्टेप कंपाउंडिंग प्रोवाइड किया हाईएस्ट वाला। ठीक है, बाकी वैसे 5th 6th 7th ऐसे चलता रहता है, और आज मैंने 11th प्रोवाइड किया है। भाई कल यूट्यूब पे कितने बजे लाइव स्टार्ट करोगे? लव यू अलग ही सेशन था भाई। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, एंड लव यू PLT ऑन टॉप, एंड ये भी ठीक है। $17 प्रॉफिट ऑल ट्रेड, $1 और $2 बैक टू बैक 11th स्टेप कंपाउंडिंग विदाउट एनी सिंगल लॉस। लास्ट में एक लॉस हुआ था पता है, वो भी बताओ कि लास्ट में एक लॉस हुआ, वहीं से सेशन ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, बाकी अब देखते हैं, बाकी आप ये पढ़ सकते हो। एंड भाई सबके लिए दिल से शुक्रिया, इतना 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 प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड सब प्रॉफिट करो, मज़े करो, और सब प्रॉफिट करो और मज़े करो। और ये वीडियो जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा है, ये भी अभी डीप आइटम जाएगी। ये तो इसके पहले आइडियो क्लिप में लगा, ये वीडियो क्लिप में लगा दूंगा। बाकी यार अगर सबको ऐसे ही प्रॉफिट करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में फ्यूचर बनाना है, तो विदाउट एमटीजी रिकवरी सिग्नल लो, कंपाउंडिंग करो, श्योर शॉट लो, आगे अपने फैमिली का ध्यान तुम ही रख सकते हो, फालतू लोगों के चक्कर में ना पड़ो। याद रखना पीएलटी के जैसा नाश्ता कोई पैदा हुआ ना कभी होगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, आ जाओ सब लोग टेलीग्राम चैनल पे, मिल के प्रॉफिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।